मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फन एंड लर्न विद आयशा। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैंने ऐसा ड्रेस क्यों पहना है, क्योंकि आज का हमारा वीडियो कुछ खास है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको समंदर में रहने वाले जानवरों से मिलाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आप तैयार समंदर की सैर के लिए? दीदी दीदी रुको, मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है चिंटू, लेकिन इसके लिए तुमको स्पेशल ड्रेस पहनना पड़ेगा। इसके लिए कौन सा ड्रेस पहनना पड़ेगा दीदी? तो उसके लिए हमें लगेगा वाटर जैकेट, ऑक्सीजन मास्क एंड वाटर गॉगल। तो आप लोग भी तैयार है समंदर की सैर के लिए? तो चलो जल्दी चले। एक मिनट, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, क्योंकि एंड में हम 3 क्वेश्चन पूछने वाले हैं। जो भी सही जवाब देंगे हम अगली वीडियो में उसका नाम अनाउंस करेंगे। तो चलो जल्दी चलते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं डॉल्फिन से। समंदर में रहने वाली सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट एनिमल डॉल्फिन है। इनकी हाइट 4 फीट से 32 फीट तक होती है। सबसे छोटी डॉल्फिन 40 किलो की होती है और सबसे लंबी डॉल्फिन 900 किलो की होती है। ये हमेशा ग्रुप में रहती है और एक दूसरे के साथ सीटी की आवाज निकाल के बात करती है। डॉल्फिन 600 से भी ज्यादा अलग अलग आवाज निकाल सकती है। दिस इज पफर फिश। इसकी हाइट 1 इंच से लेकर 2 फीट तक होती है। अपने शरीर को फुलाकर बहुत बड़ा कर सकती है और बलून की जैसी दिखती है। ये ऐसा अपने दुश्मन से बचने के लिए करती है। ये बहुत जहरीली होती है। इसका जहर साइनाइड से 1200 टाइम्स स्ट्रांग होता है। एक पफर फिश अपने जहर से 30 इंसान की जान ले सकती है। इसे कभी ना मानने वाली भी फिश कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऐसी खास बात होती है कि इसके 2 पैर भी कट किए तो ये मरती नहीं है, बल्कि उन दोनों पैर से नए जेलीफिश बन जाती है। इसकी बॉडी में 95% पानी होता है। दिस इज स्टार फिश। इसका शेप स्टार की तरह होता है, इसलिए इसे स्टार फिश कहते हैं। इसकी 2000 से भी ज्यादा प्रजातियां होती है। इसका वेट 5 किलो तक होता है और ये 35 साल तक जिंदा रहती है। इसके शरीर पर लाल निशान की तरह बहुत सारी आंखें होती है। इन आंखों से वो रोशनी और अंधेरे का पता कर लेती है। दिस इज नॉटिलस। ये शेल के अंदर रहता है। इनकी आंखों की रोशनी बहुत कमजोर होती है, इसलिए अपने शिकार को स्मेल से पता कर लेता है। 20 साल तक जिंदा रहता है। ये क्रैब और फिश खाता है। इससे मिलिए, ये है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस दुश्मन से बचने के लिए अपना रंग बदल सकता है। इसकी बॉडी में 3 हार्ट होते हैं और 1 दिमाग होता है। इसकी ब्लड का कलर ब्लू होता है। बहुत तेज दिमाग वाला जानवर है। सबसे छोटा ऑक्टोपस 1 इंच लंबा होता है
और 1 ग्राम का होता है। सबसे बड़ा ऑक्टोपस 18 फीट लंबा और 50 किलो का होता है। This is shieldfish. Shieldfish के 4 पंख होते हैं। इनके शरीर पर पाए जाने वाले फैक्स के लेयर इन्हें ठंडी से बचाता है। ये पानी के अंदर ही सो सकती है। छोटी शील्डफिश 1 मीटर लंबी होती है और इनका वेट 45 केजी तक होता है और बड़ी सील 5 मीटर लंबी और 300 केजी तक वजनी होती है। This is a shark. Shark की 300 से भी ज्यादा प्रजातियां है। एक बड़ी शार्क का वेट 700 केजी तक होता है। ये अपने शिकार को सूंघकर पता कर लेती है। शार्क 45 फीट तक लंबी होती है। शार्क 3000 फीट दूर की आवाज सुन सकती है। ये बिना कुछ खाए 1 साल तक जिंदा रह सकती है। स्क्विड स्क्विड के ऑक्टोपस की तरह 1 आर्म्स होते हैं, जिनकी मदद से ये अपने शिकार को पकड़ती है। और इसके दांत तोते के चोट की तरह नोकीले होते हैं। अपने दुश्मन से बचने के लिए ये अपने स्किन का कलर चेंज कर सकती है। This is sea lion. Sea lion ग्रुप में रहती है। इनके ग्रुप को कॉलोनी कहते हैं। Sea lion 14 मिनट तक पानी में रह सकती है। फिर सांस लेने के लिए पानी के सतह पर आती है। फिर पानी के अंदर 600 फीट तक जा सकती है और पानी में 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर सकती है। सी टर्टल्स दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं और हर तरह के क्लाइमेट में रह सकते हैं। इनकी 7 प्रजातियां होती है। सबसे बड़े टर्टल की हाइट 1 to 2 मीटर और वेट 65 to 130 केजी तक होता है। उनकी उम्र 30 से 100 साल की होती है। ये पानी में 5 घंटे तक रह सकते हैं। फिर सांस लेने के लिए ऊपर आते हैं। This is eel fish. ईल की 400 से भी ज्यादा स्पेसिस है। ये समंदर में और मीठे पानी में यानी नदी में भी रह सकती है। ये सांप की तरह दिखाई देती है। इनके दांत बहुत नोकीले और तेज होते हैं। इनकी एक प्रजाति है जिसे इलेक्ट्रिक ईल कहते हैं, जो अपने दुश्मन से बचने के लिए 600 वॉट तक इलेक्ट्रिक करंट पैदा कर सकती है। स्टोनफिश ये दुनिया की सबसे ज्यादा जहरीली फिश है। ये पत्थर की जैसी दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम स्टोनफिश है। इसके काटने या छूने से इंसान का पूरा शरीर सड़ सकता है। स्टोनफिश की बॉडी अंदर से जितनी नरम होती है,
बुखार से उतनी ही सख्त होती है। का जहर इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि सिर्फ ये 6 सेकंड में इंसान की मौत हो सकती है। दिस इज पिराना फिश। पिराना फिश को पानी में रहने वाले जानवरों में सबसे खतरनाक और डरावना माना जाता है। इसके आगे के दांत बहुत ही शार्प होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने शिकार के आसानी से टुकड़े टुकड़े कर सकती है। ये झुंड में रहकर शिकार करती है। ये अपने शिकार को बिना मारे जिंदा ही खा जाती है, इसलिए इन्हें सबसे खतरनाक माना जाता है। दिस इज ब्लू व्हेल। समंदर में रहने वाली सबसे बड़ी फिश ब्लू व्हेल है। ब्लू व्हेल 30 मीटर लंबी और 180 टन तक वजनी होती है। इसकी दिल की धड़कन को बहुत दूर से भी सुना जाता है। ये पानी में सांस नहीं रह सकती, इसे सांस लेने के लिए बार बार पानी की सतह पर आती है। ये पानी में सांस रोककर 35 मिनट तक रह सकती है। ब्लू व्हेल की उम्र 70 से 90 साल तक होती है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा आज का वीडियो? हर समंदर के सारे जानवर। अगर आप चैनल पर नए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब का बटन वहाँ नीचे है। और इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करिए और फ्रेंड्स लाइक करना मत भूलिए। सो नाउ फर्स्ट टाइम मैं इस वीडियो से रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछूंगी। जो सही जवाब देगा उसका नाम अगले वीडियो में अनाउंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, वो कौन सी फिश है जो पानी में भी सो सकती है? क्वेश्चन नंबर 2, वो कौन सी फिश है जिसके दांत बहुत नोकीले होते हैं और वो अपने शिकार को जिंदा ही खा जाती है और उसे बहुत डरावना फिश कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 3, वो कौन सी फिश है जो अपने बदन को फुला के बलून जैसा कर देती है और बड़ी हो जाती है? तो जल्दी से तीनों आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर ले। और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाया जाए वो भी सजेस्ट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करना मत भूलना।